आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, मतलब AAIT तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट अपडेट आ रही है। और साथ ही यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसके बारे में सारी चीजें हम लोग स्टार्टिंग में ही जान। स्टूडेंट एलिजिबल है तो जी हाँ, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गैस, अगर आप लोगों ने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और ये नोटिफिकेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ही गैस, ये मिनी रत्ना कंपनी है और ये वैकेंसी आ रही है गुड़गांव की तरफ से, न्यू दिल्ली की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा और जो आप लोग ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी गैस फ्रेशर स्टूडेंट के लिए है, मतलब ये अप्रेंटिस रहेंगे। ब्रांच की बात करें तो देखिए, सैलरी पैकेज भी अच्छा दिया जा रहा है। यहाँ पर सिविल ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ये ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है। और सिविल यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी निकाली गई है, 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। साथ ही गैस, 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा तो 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो ग्रेजुएट है उनके लिए 15,000 सैलरी दी जाएगी, डिप्लोमा वालों के लिए 12,000 सैलरी दी जाएगी। और लोकेशन देखिए, यहाँ पर अलग अलग दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ वगैरह, बम्बई, सारी आप लोगों की लोकेशन यहाँ पर दी गई है। देहरादून है और भी यहाँ पर बहुत सारी लोकेशंस हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट के लिए है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट वालों के लिए। और यहाँ देखिए, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो डिप्लोमा कर रखे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गैस, एयरोनॉटिक्स जो मतलब एयरोस्पेस में या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में किया है ग्रेजुएट, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया है इस नाम से अप्लाई कर सकते हैं। गैस, यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आप लोगों को कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है ये बताया गया है। और जो हमारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए, और भी दी गई है, आर्किटेक्चर ग्रेजुएट वालों के लिए, आर्किटेक्चर डिप्लोमा वालों के लिए, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वालों के लिए, जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट हैं ग्रेजुएट वालों के लिए, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिप्लोमा वालों के लिए। गैस, ये जो आप लोगों की यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है 7/11/2022 दी गई है। लगभग आप लोगों के पास बहुत टाइम है अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई कर लेना जल्दी से। साथ ही यहाँ देख सकते हैं, ये वैकेंसी, इसका जो आप जनरल इंस्ट्रक्शन है, कंडीशन है, सारी चीज़ें दी गई है, आप अप्रेंटिस रहेगा। और गैस, यहाँ देखिए, ये नोटिफिकेशन आप लोग को नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोग यहाँ ओनली इंडियन कैंडिडेट होने चाहिए, इंडियन नेशनल, उम्र के इंडियन आप लोग होने चाहिए, ये मेन रखा गया है। और आप लोग नॉर्थ रीजन से होने चाहिए, 2020 के यहाँ पर पास आउट है, 20 साल रखी गई है, 31/8/2022 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। मोड ऑफ सेलेक्शन यहाँ पर दिया गया, मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा गाइस। और उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, देन आप लोगों का इंटरव्यू भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर आपको वेबसाइट दी गई है, www.mhrdgovernment.com, ठीक है। ये MHRD का पोर्टल है, इस MHRD पोर्टल पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन के नाम से लिंक दी गई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है। 24 घंटे के बाद आप लोगों को ईमेल आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, वहां पर आप सभी को उसका प्रिंट भी निकाल लेना है, ये सभी आप लोग कर लेंगे। देन आपको क्या करना है गाइस, जब आपका ये हो जाएगा, मतलब NITS पोर्टल पर अप्लाई हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को उसको अप्लाई करना है। और यहाँ कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर चेकलिस्ट फॉर इनरोलमेंट, ठीक है, यहाँ पर दिया गया जैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, 1 MB से कम होनी चाहिए, और यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको डालना होगा, परसेंटेज डालनी होगी, ब्रांच वगैरह, ये सभी आपको पासिंग ईयर वगैरह ये सभी डालना होगा। अब कैसे करना है, यहाँ पर जैसे बताया गया है कि किस तरीके से करना है इनरोल MHRD पोर्टल पर, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में भी बताई है कि किस तरीके से आप लोग करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें इस नाम से या फिर NITS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और बाकी आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा तब क्या करना है आपको, देखिए जैसे ही आप लोग का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है,
उसके बाद आप लोगों को फिर से यहीं पे आना है, मतलब जो MHRD पोर्टल है उस पे आना है, उस पे अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के उसे ओपन करना है। यहाँ पर डाल के आप लोग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डाल के सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो इसका ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ साइड में दिया गया है अप्लाई, इस तरीके का आपको टैब ऊपर होगा, जब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ वहां पे जब आप जाएंगे तो सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन ओपन होगा। और आप लोग जब ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे तो और ये सर्च करेंगे तो यहाँ अप्लाई की लिंक आ जाएगी, इस पर अप्लाई क्लिक करना है। पूरा फॉर्म आपको अपना